नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में केवल और केवल हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल वो पार्ट देख रहे होंगे। मीन्स व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, व्हाट इज इंडेक्स और क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल थ्योरम, हम उसके प्रूफ्स पर इन पर नहीं जा रहे होंगे, केवल और केवल इम्पोर्टेंट पोर्शन अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से चीजें स्टार्ट करना चाहूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम की मैं डेफिनेशन से आप लोगों के सामने बात करूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है। लाइक बाइनोमियल, तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो कुछ बाई से आगे नोमियल, और बाई का मतलब होता है दो। मींस एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसी टर्म्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल और केवल दो टर्म हो। लाइक कोई भी चीज, लाइक अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ए प्लस बी, लाइक मैं बोलूं दिस इज ए प्लस बी, ये एक बाइनोमियल है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये एक बाइनोमियल है। टू प्लस थ्री, ये एक बाइनोमियल है। पी प्लस क्यू रेस्ट टू पावर एक्स, ये एक बाइनोमियल है। तो ये बाइनोमियल का मतलब क्या है कि एन एक्सप्रेशन विच हैज टू टर्म्स, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये है, एक टर्म ये। ठीक है, बाइनोमियल का बेसिक मतलब समझ गए। तो बाइनोमियल की डेफिनेशन हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, सिर्फ आपके सिलेबस में पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ही है। मतलब क्या कि इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव का हर एक मतलब समझते होंगे। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव ना हो, मतलब माइनस साइन के साथ ना हो, है ना। और इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर्स, और इंडेक्स मतलब होता है पावर। इंडेक्स एक एक करके मैं आप लोगों के सामने लिखूं तो ये इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सॉरी इंडेक्स का मतलब होता है हमारे पास पावर। पॉजिटिव मतलब समथिंग विच इज नॉट नेगेटिव। एंड इंटीग्रल, इंटीग्रल से मतलब होता है बच्चों, इंटीग्रल से मतलब होता है लाइक वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह के टर्म, जिसमें केवल और केवल इंटीजर्स आ रहे हो, पूर्णांक नंबर आ रहे हो, जिसमें पूर्णांक नंबर मतलब इंटीजर्स का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप टू इनफाइनाइट। ओके, दिस टाइप ऑफ टर्म्स। तो पॉजिटिव इंटीग्रल अगर पावर है तो उसके लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। x प्लस वाई रेस टू पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर एन वाई रेस टू पावर जीरो एन सी वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन वाई रेस टू पावर वन, दिस चलता जाएगा। अब देखो इसके बारे में जब मैं बात करूंगा तो देखो बेसिक से आपको पहले तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रहेगा। बिकॉज अगर आपने ट्वेल्थ तक मैथ पढ़ी है तो आपको इजीली ये पता होगा कि यहाँ सी क्या है, पावर क्या होती है। बट अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो दिस इज न्यू फॉर यू ऑल। तो अगर ये आपके लिए न्यू है तो मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाना चाहता हूं कि ये जो एन सी, एन ऊपर है सी नीचे है और यहाँ जीरो वन टू थ्री लिखा है, मैं आर लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। एन सी आर, जैसे एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी एन। तो अगर मैं कोई जनरल टर्म ले लूं जहां पे आर ले लूं तो एन सी आर का मतलब क्या होता है। एन सी आर का डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद करेंगे एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है वो भी बताऊंगा, बट एन फैक्टोरियल अपॉन ये आर बचा तो आर फैक्टोरियल, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहां पे, इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये एन फैक्टोरियल क्या होता है, जो हमने ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया ना, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड द थिंग्स कम्स हियर कि व्हाट इज फैक्टोरियल, हमें ये भी नहीं पता होगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। एन को मल्टीप्लाई करे जाओ कंटिन्यू जब तक ये जीरो या वन ना आ जाए, ठीक है। इंटीजर एन, एन में से एक कम कर दो, एन में से दो कम कर दो, एन में से कम करे जाओ, लास्ट के अंदर एन में से कम करोगे, जैसे एन मान लो टेन था तो एक कम करोगे नाइन, फिर एट सेवन, लास्ट में थ्री टू वन आएगा तो ये थ्री टू वन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। जैसे थ्री फैक्टोरियल बोलता मतलब थ्री, थ्री में से एक कम किया टू,
टू में से एक कम किया वन, जीरो पे मत चले जाना क्योंकि जीरो पे जाते ही तो सब जीरो हो जाएगा, मतलब वन पे जाके रुक जाओ। वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स। यू हैव टू फाइंड आउट फोर फैक्टोरियल, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितनी आ गई, 24। क्लियर? क्या बोलना चाहता हूं, मीन्स वॉट इज फैक्टोरियल एंड वॉट इज एनसीआर, ये दो टर्म पता होने के बाद मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करवा दूंगा। और आई थिंक ये फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर की चीजें एक पेज के अंदर हम पूरा चैप्टर समझ लेंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई तो विद इन 5 मिनट आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ही ये फॉर्मूला डिफाइन है। अगर इसकी जगह लिखा होता जैसे x प्लस वाई की पावर माइनस टू, इट मीन्स पावर माइनस टू इज नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल, मीन्स ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? दूसरी चीज, एनसीआर क्या होता है, एनसीआर हमारा होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। लाइक वॉट, अगर मुझे 3c1 निकालना हो, इसका मतलब कितना है, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, आपस में कट जाएगा 2 इंटू 1 कितना आ गया, 3। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये कब काम आएगा, अब आप कहोगे तो मैं ये भी बता देता हूं। 0 फैक्टोरियल, जैसे मान लो एन सी एन की वैल्यू निकालनी होती तो क्या होगी, n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे n फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस n मतलब 0 फैक्टोरियल। तो n से n कट जाएगा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे 0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 1 होती है। प्रूफ वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट याद रखेंगे। क्लियर? तो n से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे लिए, 1। अब मैं अपने चैप्टर पे आ रहा हूं। ये तो आपका रिवाइज करवाया है मैंने, आई होप ये आपको आता होगा, पहले से नहीं आता था तो मैंने रिवाइज करवाया, ठीक है? तो अब चैप्टर देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम का, बेसिक हमारा ये फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह की बात बोल रहा है, दो टर्म है x प्लस y, ये हो गया हमारा बाइनोमियल, है ना। अगर x प्लस y लिखा है, इट मींस बाइनोमियल दो टर्म है, इसकी पावर n है। अब मैं आप लोगों को याद करवाता हूं, ठीक है? यहां पावर कितनी है, n, मतलब c में हमेशा यही चलेगा n c। स्टार्ट करूं, सबसे पहले क्या आएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, सबसे पहले जीरो, n c जीरो। जो पहला टर्म है उसकी पावर पूरी की पूरी पटक दो, पहली टर्म क्या है, x, x की पावर पूरी की पूरी रख दो n, तो y की पावर कितनी बचेगी, y की पावर जीरो, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा n होगा, इन दोनों का सम हमेशा n होगा। सेकेंड टर्म वापस से एक बार पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार सुन लो, सेकेंड टर्म एन सी अब कितना आएगा, वन। ध्यान रहे मैं फिर बोलो, सेकेंड टर्म में यहां वन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में यहां जीरो आ रहा था। एक्स की पावर कितना आएगा, यहां पूरा था, अब एक कम हो जाएगी, एक कम कर दो और इधर की तरफ बढ़ा दो। मतलब एक चीज समझना, जो यहां लिखा होता है वो यहां आता है सेकेंड वाले की पावर में, यहां जो लिखा होता है वो सेकंड वाले की पावर में आता है। मींस अगर एन सी टू लिखा है तो मुझे एक्स की पावर तो नहीं पता, पर सेकंड वाला वाई की पावर तो टू होगी और दोनों का सम एन होना है, तो एक्स की पावर ऑब्वियस सी बात है एन माइनस टू होगी, तभी जुड़ के दोनों क्या हो जाएंगे, वन हो जाएगा, एन हो जाएगा। और अगर इसको आगे बढ़ाता जाऊं, लास्ट टर्म होती है एन सी एन तक ही जा पाएगा, क्योंकि n प्लस वन आगे तो जा नहीं सकता। x की पावर मुझे नहीं पता, पर y की पावर कितनी होगी, जो यहां लिखा है मतलब n, और दोनों का सम n हो इसलिए जीरो। और किसी भी टर्म की पावर कितनी होती है, जीरो होती है, तो वो क्या होता है, वन, ठीक है? तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने आप लोगों से बात की, अब ऊपर वाली टर्म को समझना। सबसे पहले x प्लस y की पावर n का मतलब n से जीरो से स्टार्ट करूंगा, और जो सेकेंड टर्म थी उसकी पावर एज इट इज ये वाली लिख दूंगा, मतलब ये जीरो था तो यहां जीरो ले गया मैं। क्लियर? यहां वन था तो मैं यहां वन ले गया, यहां टू था तो मैं यहां टू ले गया, यहां थ्री था तो यहां थ्री ले गया, और यहां एन था तो यहां एन ले गया। और पावर का सम एन करना है तो पहले वाले की पावर ऐसी कुछ रख दी जिससे दोनों को सम करके एन हो जाए। इस तरीके से मैं थोड़ा लॉजिकल याद रखने का ट्राई करूंगा, वरना तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला है और यू कैन रिमेंबर इट। ओके, तो रट्टा मारो,
आपको याद हो जाएगा. बट फिर भी थोड़ा सा मैंने लॉजिकल आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई है कि सेकंड वाले की पावर जो एनसी में नीचे लिखा हुआ है वो होती है, और पावर का सम हमेशा एन होता है जो यहां लिखा हुआ है. अब मैं एग्जांपल से आप लोगों के सामने बात करूं, जैसे आप लोगों के सामने लिखा हो एक्स प्लस वाई की पावर टू, एक्सप्लेन करो एन कितना है टू, मतलब मैं लिख रहा होगा टू सी जीरो. x की पावर तो मुझे नहीं पता पर y की पावर मुझे पता है जीरो आएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी टू होनी पड़ेगी जोड़ के टू सी वन. x की पावर तो मुझे नहीं पता पर y की पावर वन आएगी और दोनों का सम टू हो इसलिए ये वन हो जाएगा टू सी टू. x की पावर मुझे नहीं पता पर y की पावर 2 आएगी तो दोनों का सम 2 हो तो x की पावर 0 हो जाएगी. अब देखना मैं 2c0 आप लोगों के सामने निकाल के बताता हूं. 2c0 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इन टू 2 माइनस 0 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया ये तो 1 आ गया. 2c1 मैं निकाल के बताता हूं, 2 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर मतलब 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, ये आपस में कटेगा तो 2 इंटू 1 और ये नीचे 1 इंटू 1 मतलब ये आ गया 2. एंड द फाइनल इज 2c2 भी मैं निकाल के बता देता हूं आपको, 2c2 कितना आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस सॉरी 2 माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है तो ये हो गया 0, ये कट जाएगा कितना आ गया 1. मीन्स अब मैं आप लोगों के सामने वैल्यू रखता हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी किसी भी पावर 0 1 मतलब ये आ गया x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, ये आ गया x और ये आ गया y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ये कितना हो गया हमारा 1, कितना आ गया y स्क्वायर. देखो यही तो फॉर्मूला होता है, तो यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है बच्चों. ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाहता था. नाउ अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूं क्योंकि अगर मैं इसी में टाइम वेस्ट कर दूंगा तो हम क्वेश्चंस पे आ ही नहीं पाएंगे, है ना. तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाहता था. अब एक चीज समझो, पावर जब एन लिखी हुई है, अब मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो देखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की चीज से एक चीज मेरे समझ में आती है कि इसमें जब पहली टर्म है तो यहां जीरो है, दूसरी टर्म है तो वन है, तीसरी टर्म है तो टू है. मतलब ऐसे समझना, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है जीरो, सेकंड टर्म में कितना आ रहा है वन. तो जब यहां एन आएगा लास्ट में यहां एन आएगा तो यहां कितना आ रहा होगा एक बढ़ के, मतलब एन प्लस वन एक टर्म होगी. मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वन टू थ्री फोर और यहां तक जाते जाते कितनी हो जाएगी एन प्लस वन. चाहे आप देख भी लो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब करते तो पावर टू थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई थी तीन आई थी. कैसे, एक्स स्क्वायर एक टू एक्स वाई एक वाई स्क्वायर. मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एन से एक बढ़ के होती है. इज इट क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स एक बढ़ के होती है. तो अगर आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आ रही है तो मैं नेक्स्ट चीज पे आ पाऊंगा. अब आती है हमारी एक जनरल टर्म, इन सब का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. जनरल टर्म क्या होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जनरल टर्म क्या होती है. अब देखो जनरल टर्म को समझने के लिए एक चीज समझना कि एक जनरल टर्म का मतलब क्या होता है. एक जनरल से ऐसे मतलब होता है कि उसमें आर की वैल्यू कुछ भी रखे तो हमें पहली टर्म भी मिल जाए, दूसरी भी मिल जाए, तीसरी भी मिल जाए, एन भी लास्ट टर्म भी मिल जाए. एक ऐसी टर्म मींस जैसे आपके सामने लिखा हुआ है वन स्क्वायर कोमा टू स्क्वायर कोमा थ्री स्क्वायर कोमा अप टू एन स्क्वायर. तो अगर आप इसकी जनरल टर्म में टी लिख दूं उसको अगर आप आर स्क्वायर लिख दो तो देखो r बराबर 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, 2 पे ये मिल जाएगा, 3 पे ये मिल जाएगा. मींस एक ऐसी टर्म जिसमें किसी एक वैल्यू को पुट करने से सारी वैल्यू मिल जाए. तो इसके जो जनरल टर्म होती है मैं मान के चलता हूं वो टी आर प्लस 1 वाली टर्म होती है. टी आर प्लस 1 वाली टर्म, आर प्लस 1 एट टर्म हमेशा जनरल टर्म होती है. ये अजम्पशन माना है. क्यों माना है, इसका मतलब समझना. जब यहां आर प्लस 1 है और किसके अंदर एक्स प्लस वाई की पावर एन में, तो आना तो nc है, nc आना है क्योंकि ये तो देखो हर में कॉमन रह रहा है nc, तो है ना
एन से तो लिख दिया, यहां पे क्या आएगा? पहली टर्म में जीरो था, दूसरी में वन था, तीसरी में टू था, तो आर प्लस वन में आर आएगा, एक्स की पावर कुछ इंटू वाई की पावर कुछ। अब ये कंफर्म है वाई की पावर यही होनी है, वाई की पावर आर हो गई, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी फिर? एन माइनस आर, क्योंकि दोनों का सम एन होना चाहिए। कितना इजी हो गया। तो कभी भी आपसे पूछे कि जनरल टर्म, तो जनरल टर्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? इसको लिखने का इतना बड़ा फायदा होगा ना, जो आपको समझ में आएगा आगे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, अभी वापस से सब चीजों पे दोबारा आऊंगा, डोंट वरी, है ना, दोबारा सारी चीजें एक बार वापस देख रहे होंगे। एंड कमिंग टू द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होती है? अब मिडिल टर्म ना दो चीजों पे डिपेंड करती है, जब एन ओड हो। अब देखना, अगर एन ओड है तो एन, जैसे मान लो एक्स प्लस वाई का क्यूब है, तो एन ओड हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? एन प्लस वन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? इवन। और इसकी देखे तो एक्स क्यू प्लस, फॉर्मूला हमें पता है, आई होप नहीं भी पता होगा तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपको आना चाहिए था, वैसे नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहां पे? इवन हो जाएगी। इवन और ओड का मतलब समझ रहे हो? ओड मतलब वन थ्री फाइव सेवन ऐसे नंबर्स है ना, इवन मतलब टू फोर सिक्स एट ऐसी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगी। तो मिडिल टर्म से मतलब क्या समझते हो? जो बीच वाली टर्म है। अब एक बात बताओ, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच की, जैसे इसमें अगर मैं बीच की टर्म पूछूं तो आप कहोगे सर बीच में तो दो टर्म आएगी हमेशा, एक टर्म कभी नहीं आएगी, है ना? तो एक चीज समझ में आती है कि जब भी एन ओड है तो मिडिल टर्म कितनी आएगी? दो आएगी, एक नहीं आएगी, ठीक है? और वो कौन कौन सी होगी? टी एन प्लस वन अपॉन टू एंड टी एन प्लस थ्री अपॉन टू। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कैसी आई, अभी के लिए बस आप ये याद रखो ये होती है। क्योंकि एन ओड है तो ओड प्लस वन इवन, इवन टू से डिवाइड हो जाएगा, ओड प्लस थ्री अपॉन टू डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना है। और अगर एन इवन होता, एन इवन होता तो एक बात बताओ, जैसे इवन के अंदर तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही ले लें, ये सबको आता है फॉर्मूला, क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? तीन ओड, और इसके अंदर मिडिल टर्म एक ही आएगी, तो ये मिडिल टर्म सीधी हो जाती है टी एन प्लस टू अपॉन टू, ठीक है? क्लियर, अभी के लिए इतना सा याद रखना है, क्योंकि ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, ऊपर ऊपर से बताता जा रहा हूं कैसे आया। अब मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म के अंदर मैंने फिर से कहा कि आर प्लस वन एट टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाई टी आर प्लस वन, टी के नीचे आर प्लस वन लिख के इसको डिनोट करते हैं। क्यों ऐसा किया ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक टर्म पीछे आती है, पहली टर्म में सी के नीचे जीरो आता है, दूसरी में वन, तीसरी में टू, तो जब मुझे आर चाहिए तो टर्म आर प्लस वन वाली होगी। आई होप इट इज क्लियर कि ये यहां से ये कैसे लिखा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के बारे में फिर से मैं बोलूंगा, इफ एन इज ओड, एन ओड है, एन ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन, ये क्लियर है? और मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी? ये दो होगी, याद हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? ओड होगी, और मिडिल टर्म ये वाली होगी। क्लियर? बताऊंगा अभी, क्वेश्चंस लेके बताऊंगा, आप बस थ्योरी समझते जाइए एक बार। एंड सम इंपॉर्टेंट एक्सपांशन। अब सम इंपॉर्टेंट एक्सपांशन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे बच्चों? तो एक्स प्लस वाई की पावर एन तो एज इट इज यूं का यूं आ जाएगा, एक्स माइनस वाई की पावर एन होता तो क्या होता? हर वाई की जगह माइनस वाई रख देते, इसी के अंदर वाई की जगह अगर मैं माइनस वाई रख दू, प्लस माइनस वाई कर दू, तो हमारा ये एक्सपांशन आ जाएगा। मीन्स हर वाई की जगह माइनस वाई रख दू, और y की जगह माइनस वाई का मतलब जब भी उसकी पावर ओड होगी, जब भी उसकी पावर ओड होगी तो ये साइन माइनस आ जाएगा। क्लियर है? जब भी इसकी पावर ओड होगी ये माइनस आ जाएगा। क्लियर? और लास्ट के अंदर हम माइनस वन की पावर n लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता n इवन है या ओड है। इवन होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ओड होगा तो नेगेटिव होगा। एंड द लास्ट
थर्ड सेकंड लास्ट इज 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पे x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह x पुट कर दिया और इस फॉर्मूले को वापस से लिख दिया। तो इस फॉर्मूले को लिखा था एन सी जीरो एक्स, एक्स मतलब 1 की पावर n और y की पावर 0 मतलब x की पावर 0, मींस कितना आ गया एन सी जीरो और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, एन सी 1 इंटू एक्स एन सी 2x स्क्वायर कैसे आया, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में ही, वापस से बोलता हूं एक बार, इस वाले फॉर्मूले में, सॉरी, इस वाले फॉर्मूले में x की जगह 1 और y की, इसकी जगह x रख दिया और इस वाले में x की जगह 1 और y की जगह x रख दिया, तो सेकेंड इससे ये डिराइव हुआ है और इससे ये डिराइव हुआ है। आई होप क्लियर है ना, तो डिफिकल्ट नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा, सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ और एक एक करके आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि थ्योरी आप लोग भी इतने इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि आपका भी मेन मोटिव तो एग्जांपल्स करना ही है। तो मैं एग्जांपल की जब बात करूंगा तो पहला एग्जांपल है एक्सपांड दिस, मतलब इसको एक्सपांड करना है बाय बाइनोमियल थ्योरम। देखो 2x प्लस 3y रेस टू पावर 5, तो 5c 0 से तो स्टार्ट होगा, तो 5c 0 तो यहां पे जो बाद में टर्म लिखी है वो कितनी लिखी है, पहले तो लिखी है 2x और बाद में लिखी है 3y, तो 3y की पावर तो कितना आ जाएगा, जो यहां लिखा है 0 और इसकी पावर टोटल 5 कर देंगे। क्लियर, अगला 5c1 2x एज इट इज, 3x की पावर कितनी हो जाएगी, 3y की पावर 1, तो टोटल यहां 4 हो जाएगा, प्लस 5c2 2x की पावर मुझे नहीं पता, प्लस 3y की पावर तो मुझे पता है 2 आएगी, दोनों का 5 होना चाहिए तो ये 3 हो जाएगा। 5c3 2x की पावर तो मुझे नहीं पता, प्लस 3y की पावर हमें पता है 3 आएगी, दोनों का सम 5 करना है। क्लियर, 5c4 2x की पावर तो मुझे नहीं पता, प्लस 3y की पावर इंटू 3y की पावर 4 आएगी, तो ये हो जाएगा 1। एंड सिमिलरली 5c5 2x की पावर तो नहीं पता, प्लस 3 इंटू 3y की पावर मुझे पता है 5, तो ये हो जाएगा 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैं एक बार के लिए आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, आगे से कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। 5c0 इधर की तरफ मैं सारी वैल्यूज निकालने का ट्राई करता हूं। 5c0 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल कितना आ गया 1। 5c1 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, तो देखना 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं इसको। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब यही तो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स ये लिख सकता हूं 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 5। क्लियर, नाउ 5c2 निकालता हूं, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दें, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर, 5c2 आ गया 10, आई होप क्लियर होगा। 5c3 निकालता हूं, 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो ये और ये सेम ही लिखा हुआ है, मतलब ये आ जाएगा 10। 5c4 निकालता हूं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, देखो ये और ये सेम लिखा हुआ है, देखो ये वाली टर्म, ये कितना आ जाएगा 5। एंड लास्ट वन 5c5 मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और ये सेम लिखा हुआ है, मतलब कितना आ जाएगा 1। क्लियर, अब इनकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, अब इनकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आई होप आपका आंसर आ जाएगा। आप यहां पे लिखोगे 5c0 की जगह, ये हटा दो सारी चीजें, अब आई होप ये क्लियर होगा, तो ये चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर जरूरी है अभी 10 है ना। अब देखो 5c0 2x प्लस 3y की पावर 5, 5c0 1,
थ्री टू की पावर फाइव, टू फोर सिक्स एट, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, थर्टी टू एक्स रेस टू पावर फाइव, ये कितना हो गया वन, प्लस ये तो आ गया फाइव, टू की पावर फोर, टू फोर एट सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू फाइव एट्टी, एट्टी इंटू थ्री टू फोर्टी, टू फोर्टी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, प्लस फाइव सी टू टेन, टेन इंटू टू का क्यूब एट, एट्टी, एट्टी इंटू नाइन सेवन ट्वेंटी, जो भी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सिमिलरली फाइव सी थ्री, फाइव सी थ्री टेन, टेन इंटू फोर फोर्टी, फोर्टी इंटू, या फिर टेन इंटू ट्वेंटी सेवन, टेन इंटू ट्वेंटी सेवन टू सेवेंटी, और इंटू ये आएगा फोर, तो कितना आ जाएगा जीरो, वन जीरो एट जीरो, वन जीरो एट जीरो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, प्लस ये हो जाएगा फाइव टू फोर वो थ्री, ये तो हो गया फाइव, ये आ गया टेन, थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन एटी वन, एटी वन, यानी ये आ जाएगा एट वन जीरो एक्स वाई रेस टू पावर फोर, एंड ये वाली वैल्यू हो गई वन, टू की पावर जीरो वन, और थ्री वाई की पावर फाइव का मतलब टू फोर्टी थ्री रेस, टू फोर्टी थ्री इंटू वाई रेस टू पावर फाइव। दिस इज जस्ट इन कैलकुलेशन, है ना, डोंट गो ऑन दिस, जस्ट यू हैव टू राइट दिस, आपको इस स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर भी देते हो, बट इफ यू रोट दिस स्टेप इन एग्जाम देन यू विल गेट द मार्क्स, ओके। तो हमें ये लिखना आना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपांड दिस बाय बायनोमियल। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा अब की बार, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ समझाना है। तो फोर से स्टार्ट करें, फोर सी जीरो, थ्री एक्स का तो मुझे नहीं पता, पर यहां पे हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स की पावर तो जीरो, यहां फोर होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक तरीके से ये देखो माइनस वन अपॉन एक्स मान लो आप, ठीक है, वही फॉर्मूला हर जगह लगाएंगे, फोर सी वन, थ्री एक्स का तो नहीं पता, पर वन अपॉन एक्स की पावर, माइनस वन अपॉन एक्स की पावर वन, तो ये हो जाएगा थ्री, प्लस फोर सी टू, थ्री एक्स का तो नहीं पता, पर माइनस वन अपॉन की पावर टू आएगा, और टोटल फोर करना है तो टू, एंड फोर सी थ्री, थ्री एक्स का तो पता नहीं, बट माइनस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री जाना है, तो ये आ जाएगा वन, एंड फोर सी फोर, थ्री एक्स का पावर तो जीरो, और माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, क्लियर। अब फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री, फोर सी फोर की वैल्यू आप निकाल लोगे, या आपस में पावर्स कटवट कर लोगे, आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन कैलकुलेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू राइट दिस एक्सपेंशन, है ना। तो आपको ये एक्सपेंशन लिखना आना चाहिए, हाउ टू राइट दिस एक्सपेंशन, आई होप इट इज क्लियर। अब कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है, टेन प्लस टू, टेन पॉइंट टू, मतलब इसको लिख सकते हो टेन प्लस जीरो पॉइंट टू रेस टू पावर फोर, बाइनोमियल से फाइंड करना है, तो मतलब फोर सी जीरो, टेन की पावर फोर, और जीरो पॉइंट टू की पावर जीरो, प्लस फोर सी वन, टेन की पावर एक कम कर देंगे, जीरो पॉइंट टू की पावर एक बढ़ा देंगे, प्लस फोर सी टू, टेन की पावर एक कम कर देंगे, 0.2 की पावर एक बढ़ा देंगे, प्लस 4c3, 10 की पावर एक कम कर देंगे, 0.2 की पावर एक बढ़ा देंगे, 4c4, 10 की पावर एक और कम कर देंगे, 0.2 की पावर एक और बढ़ा देंगे। कैलकुलेट कर लोगे इसको, कैलकुलेट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, जो भी आंसर आना है। आंसर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे लिखते हैं। x प्लस वाई के होल पावर n को आप लिखना सीख गए हो, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फोर सी जीरो की वैल्यू वन आएगी, फोर सी वन की वैल्यू, अब मैं इसका वो भी बता देता हूं, फोर सी जीरो इक्वल टू वन आएगा, फोर सी वन इक्वल टू फोर आएगा, फोर सी टू कितना आना चाहिए चेक कर लेते हैं, फोर इंटू थ्री अपॉन टू सिक्स आएगा, फोर सी थ्री फोर आएगा, फोर सी फोर वन आएगा, ये आपको कर लेना है। कैसे आया आपको खुद निकालना है, आपको फॉर्मूला बता दिया है ना, तो ये आप कर लोगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये वाला,
फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x टू पावर माइनस 24 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। जब भी किसी का भी कोफिशियंट फाइंड करने की बात आती है तो हम जनरल टर्म लिखते हैं। फिर बोल रहा हूं, जब भी किसी का कोफिशियंट फाइंड करना होता है वी रोट द जनरल टर्म, इसलिए मैंने आपको जनरल टर्म पढ़ाई थी। तो मैं अब बात करता हूं जनरल टर्म की। तो टी जनरल टर्म क्या होती है, आर प्लस वन, वो क्या होगी 15 सी, यहां तो आर आएगा, एक्स की पावर 4 की पावर मुझे नहीं पता पर ये पता है माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर कितनी आनी चाहिए, इसकी पावर आर आनी चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी 15 माइनस आर। क्लियर, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको 15 सी आर, एक्स की पावर यहां से कितनी हो गई 60 माइनस 4 आर, ठीक है, और यहां से माइनस वन की पावर आप देखोगे तो आर हो जाएगी, और 1 अपॉन एक्स की पावर 3 आर को आप ये भी लिख सकते हो एक्स की पावर माइनस 3 आर। क्लियर है, एक्स की पावर माइनस 3 आर, ये कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा है 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होता है वो एक्स की पावर माइनस 3 के इक्वल होता है, इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब देखना समझना, ये 15 सी आर एज इट इज रहेगा, माइनस 1 की पावर आर को बाहर निकाल लूं, 15 सी आर को एज इट इज छोड़ू, एक्स की पावर में 60 माइनस 4 आर तो था ही, और यहां से माइनस 3 आर और ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस 4 आर और माइनस 3 आर कितना हो जाएगा माइनस 7 आर। ये टी आर प्लस 1 वाली टर्म है, ये समझना। अब क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, एक बोलता है एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म बताओ, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब एक्स की पावर कितनी हो जाए 0, और अब पूछा है एक्स की पावर माइनस 24 और हमारे पास एक्स की पावर कितनी है, और ये किसके इक्वल करने को बोल रहा है 24 के, माइनस मतलब 60 माइनस 7 आर इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 24, ठीक है, इसको एक साइड ले जाएंगे 84 इक्वल टू 7 आर, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर इसको देखे तो 1 और 2 12, मींस आर इक्वल टू 12 आ गया हमारा। तो आप पूछे, आपसे दो तरह के यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी टर्म का कोफिशियंट, या कोई एक्स की पावर माइनस 24 कौन सी टर्म होगी, तो कौन सी टर्म आई है आर इक्वल टू 12, मतलब टर्म कौन सी है आर प्लस 1, मतलब 13 टर्म का कोफिशियंट 13 टर्म में एक्स की पावर माइनस 24 आ रही होगी। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब मैं वापस से आता हूं, इसको हटा देता हूं ये वाले पोर्शन को, आर इक्वल टू मेरा 12 आ गया, क्वेश्चन बोल रहा था कि एक्स की पावर माइनस 24 का कोफिशियंट बताओ, मतलब यहां पे r की जगह 12 रख दे तो rt 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रखूंगा तो पावर 12 इवन है 1 हो जाएगा, 15c 12 और x की पावर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे माइनस 24, मींस कोफिशियंट क्या होता है जो आगे बचा हुआ पार्ट है, मतलब 15c 12 हमारा आंसर होगा, और इसको हम थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन दो तरह के पूछता है, या तो पूछेगा कि कौन सी टर्म है जो कि x की पावर माइनस 24 रखती है, या उसका कोफिशियंट 15c 12 का मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, 15 माइनस 12 3 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 15 × 14 × 13 और आगे ये चलता जाएगा, तो इसको 12 फैक्टोरियल ही लिख देते हैं, और ये 12 फैक्टोरियल एज इट इज, और 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, 3 से ये 5 टाइम्स कट गया और 2 से ये 7 टाइम्स कट गया, 91 × 5 आ गया, और ये आ जाएगा 455 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर पे नहीं जाना, कैलकुलेशन हमें नहीं करनी थी, आपको समझ में आना चाहिए व्हेन एवर क्वेश्चन आस्क फॉर द कोफिशियंट वी जस्ट गो फॉर द जनरल टर्म, है ना। जब भी क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि किसी की टर्म का कोफिशियंट बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ, तो हम केवल और केवल जनरल टर्म लिखते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन लास्ट,
फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड द एक्सपांशन ऑफ दिस. इसके एक्सपांशन में इंडिपेंडेंट टर्म लिख दी है, मतलब फिर से आर प्लस वन वाली टर्म लिख दे. आर प्लस वन एन तो कितना है 9, यहां आ जाएगा आर. 3x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी मुझे नहीं पता, बट 1/3x की पावर कितनी होगी r. तो दोनों को 9 बनाने के लिए 9 माइनस आर. और सिंप्लीफाई करते हैं, 9 सी आर, यहां से 3 की पावर हो जाएगी 9 माइनस आर. और यहां से लास्ट क्वेश्चन एक बार मैं वापस देखना चाहूंगा. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है. इसके अंदर देखेंगे 1/3 की पावर कितनी आ गई r, और यहां से x की पावर कितनी हो जाएगी, पावर 2 है तो 18 माइनस 2r, और यहां से 1/x की पावर r. सिंप्लीफाई करते हैं, और 9cr, 3 की पावर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके 9 माइनस 2r हो जाएगी. ये कैसे आई समझ में आ गया, 9 माइनस r तो है ही और एक ये माइनस r. ऐसे ही सिमिलरली x की पावर 18 माइनस 2r तो ये है और एक r ये होगा तो कितना हो जाएगा 3r. और हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मींस एक्स की पावर कितनी चाहिए हमें, 0, मींस 18 माइनस 3r कितना होना चाहिए, 0. तो r कितना आ गया. इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, अगर r इंटीजर नहीं आता तो जैसे पिछले क्वेश्चन को 0 के इक्वल करते तो r इंटीजर नहीं होता, तो फिर उसमें ऐसी कोई टर्म ही नहीं होती जिसकी पावर 0 आ पाए, एक्स की पावर. तो अगर मुझे इसमें फाइंड द टर्म, अब मुझे टर्म बतानी है, तो आर इक्वल टू 6 आया है तो टर्म तो कौन सी होगी, 7th, क्योंकि आर बराबर यहां 6 रख दो. और अगर कोफिशियंट की बात करता तो यहां पे मैं 6 रख दू, कोफिशियंट की अगर बात करता तो कोफिशियंट कितना होगा, 9c6, और 3 की पावर यहां पे 6 रखना 12, यानी -3. ये हमारा आंसर कोफिशियंट का होता. क्लियर, क्या कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए. सिंपल है क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मिडिल टर्म का क्वेश्चन आ गया. आप मिडिल टर्म का क्वेश्चन समझना, मिडिल टर्म क्या होती थी, डिपेंड करता है क्या होती, वो भी बात करेंगे. पहले ही देखो एन क्या है, एन इवन है, एन इवन है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी, विच इज इक्वल टू 9, मतलब मिडिल टर्म एक आएगी और मिडिल टर्म कितनी होगी, n प्लस 2/2, मींस t इंटू एन प्लस 2 का मतलब कितना होगा बच्चों, 8 प्लस 2/2, मींस t 5 वाली टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी. और t 5 को लिखने का तरीका होगा t 4 प्लस 1, क्यों, क्योंकि n 8c और यहां पे r प्लस 1 है, तब यहां r आता है तो ये 4. इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ये समझना, यहां पे 5 का, जब यह 5 होगा तब यह 4 आएगा. और x by 2 की पावर तो मुझे नहीं पता, बट माइनस y by 3 की पावर मुझे पता है, 4 आएगा. और दोनों का समेट करना है तो यहां भी 4 हो जाएगा. तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, मिडिल टर्म होगी. जस्ट कैलकुलेट इट एंड गिव द आंसर. ओके, इतना लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, इसको कैलकुलेट करके आंसर दे देना. क्लियर है. अब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पोस्ट बात करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसकी जब वैल्यू की बात आती है तो क्या बोलते हैं, मैं पहले एक काम करता हूं, 1 प्लस √3 की पावर 5 आपके सामने निकालता हूं. क्या आएगा, 5c0, पहली वाली की पावर नहीं पता, बस √3 की पावर 0, यानी यहां पे 5. 5c1, इसकी पावर तो मुझे नहीं पता, इसकी पावर पता है 1, मतलब यहां 4. 1 की पावर कुछ भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे. समझ रहे हो ना कैसे लिखता जा रहा हूं. ये तो क्लियर होगा. अब लिखते हैं 1 माइनस √3, मतलब अब की बार क्या होगा, जहां जहां √3 की पावर ओड है, लाइक ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये नेगेटिव में चली जाएगी. मतलब 5c0 एज इट इज, 1 की पावर 5 एज इट इज, √3 की पावर 0 एज इट इज,
यहां नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ रहा है नेगेटिव एज इट इज, समझ में आ गया? क्योंकि यह माइनस रूट थ्री आता, यहां पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि पावर रूट माइनस रूट थ्री की पावर टू करेंगे तो, फिर नेगेटिव आएगा क्लियर, एंड फिर नेगेटिव आएगा। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे देखना, आप सब्ट्रैक्ट पूरा करके बताओगे तो पॉजिटिव वाली टर्म तो कट जाएगी और नेगेटिव वाली नेगेटिव से ऐड होके टू टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर मैं लिखूं वन प्लस रूट थ्री की पावर फाइव माइनस वन माइनस रूट थ्री की पावर फाइव, ये हो जाएगा टू टाइम्स। देखना ये इससे कट जाएगी, ये इससे ऐड होके हो जाएगी टू टाइम्स फाइव सी वन, वन की पावर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूट थ्री आ जाएगा, ये हट गई, ये वाली टर्म कट जाएगी इससे, ये वाली टू टाइम्स हो जाएगी फाइव सी थ्री, वन की पावर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट थ्री का क्यूब मतलब थ्री रूट थ्री, फिर ये वाली टर्म कट जाएगी और ये आ जाएगी फाइव सी फाइव, थ्री रूट थ्री की पावर फाइव मतलब रूट थ्री की पावर फाइव नाइन रूट थ्री। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कैसे करा? इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन अगेन कैलकुलेशन बिकॉज टाइम की दिक्कत होगी, तो आप लोग समझ सकते हो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3 सब निकालना आपको सिखाया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्या इफ द कोफिशियंट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो दिस फाइंड एन। अब देखना तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब समझो, तीन लगातार टर्म जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब वो नहीं पता कौन सी है, पर तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब मैं मान लेता हूं कि एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म टी आर हो गई, उसके अगले वाली हो गई टी आर प्लस वन, क्योंकि जनरल लिखनी है, उसके अगले वाली हो गई टी आर प्लस टू, और इनका रेशियो दे रखा है 1:7:42 मीन्स टी आर अपॉन टी आर प्लस वन ये कितना दे रखा है 1/7, और टी आर प्लस वन अपॉन टी आर प्लस टू कितना दे रखा है 7/42 मीन्स, चलो अभी पूरा ही लिख देते हैं। अब एक काम करते हैं टी आर लिखते हैं, जब आर लिखा हुआ है पहले में जीरो आता है दूसरे में वन आता है, तो आर का मतलब एन सी आर माइनस वन आएगा, और कोफिशियंट की बात कर रहा है केवल, मतलब हम एक्स की बात नहीं करेंगे, एक्स की बात नहीं करेंगे है ना, कोफिशियंट का मतलब एक्स हट जाएगा। मैं आपको टी आर यहां लिख के दिखा देता हूं एक बार, यहां टी आर लिखते हैं तो एन सी आर माइनस वन, वन की पावर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेकेंड टर्म एक्स है, एक्स की पावर आर माइनस वन, टी आर प्लस वन एन सी आर और एक्स की पावर आर, क्लियर है ये आर प्लस वन, क्योंकि एक कम होता जाता है। अब इसमें रेशियो देखें तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, यही आएगा, इस एक्स से तो मतलब नहीं है, एक्स बचेगा बट उससे हमारा कोई काम नहीं है, और यहां रेशियो निकाले तो ऐसा आना चाहिए। एक एक करके सॉल्व करते जाते, इसको हटा देते, एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं, सॉल्यूशन देखना, एनसीआर कितना होगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन फैक्टोरियल, ये तो यहां से आ गया। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला यही होता है, क्लियर। अब थोड़ा सा काम करते हैं, ये किसके इक्वल है 1/7 के, इधर की वाले पार्ट को हटा के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इधर वाले पार्ट को हटा देते हैं, इसकी जगह n से तो n कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा
इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है अब इसको हटा दूं, अब इसको हटा दूं, देखना यहां पे n माइनस आर फैक्टोरियल को तो एज इट इज छोड़ता हूं मैं, क्यों छोड़ रहा हूं समझ में आएगा, r फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं r इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू ऐसे चलेगा तो r माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्लियर है ये भी, ऐसा लिखते हैं नीचे r माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज रह जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूं n माइनस आर प्लस वन, अब इसमें से एक कम करूंगा मीन्स n माइनस आर, फिर इसको फैक्टोरियल लिख सकता हूं, मतलब हमेशा ध्यान रखना 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल एक कम करके, वही चीज मैं यहां पे लगा रहा हूं बार बार, अब देखो इससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना बच गया, वापस से इधर आ जाता हूं, एक एक टर्म यूज करता जा रहा हूं ना, ये इधर आके कितना बचेगा आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, अब कैलकुलेट करते हैं और इसको हटा दूं वापस इधर से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7r इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन मीन्स, और कैलकुलेट करोगे तो n माइनस एन प्लस वन इक्वल टू माइनस एट आर इक्वल टू जीरो, ठीक है एक इक्वेशन ये आ गई, इसको सॉल्व करो, इसको भी सिमिलर सॉल्व करेंगे कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, सिमिलरली n फैक्टोरियल r प्लस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, क्लियर, इधर की तरफ आ जाता हूं 7/42 को रख लेता हूं केवल, है ना ये 7/42 रख लेते हैं, इस तरफ आएंगे ये हो जाएगा ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रही है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा कैलकुलेशन लेंथी आ रही है, क्लियर है, इधर वाले को हटा दो, इधर वाले को देखना इसमें से हमें r चाहिए तो r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, ऊपर वाले को अब एज इट इज रहने देते हैं, इधर से जाते हैं इधर से r फैक्टोरियल एज इट इज, इधर n माइनस आर है तो n माइनस आर इंटू, अब इसमें से एक कम करेंगे तो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये कट गया r से r कट गया, इसको हटा दूं और इसको भी 1/42 को 1/6 लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा r प्लस वन अपॉन n माइनस आर, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6r प्लस 6 इक्वल टू n माइनस आर मीन्स n माइनस 7r, इधर आएगा ना n माइनस 7r इक्वल टू 6, ये इक्वेशन टू, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना, n की वैल्यू आ जाएगी, r चाहिए तो r की वैल्यू आ जाएगी, जो मर्जी पूछे सब बता सकते हो, क्लियर है, काफी लेंथी था बट डिफिकल्ट नहीं था, केवल और केवल एक टर्म समझने की थी ये कि तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब कुछ ऐसे एज्यूम करेंगे और उनके रेशियो को लिखते जाएंगे, अब आपको टी आर लिखना चाहिए, ध्यान रहे एक्स को यूज मत करना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोफिशियंट का रेशियो बोला है ना, तो एक एक चीज आपको समझते जाना है, बिल्कुल ईजी हो जाएगी चीजें, एंड आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते एक बार, ओके दिस वन, ठीक है इस क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन समझना क्या है, प्रूव दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन दिस इज दिस, पहली चीज तो ये देखो यहां पे मिडिल टर्म एक दे रखी है और ये क्लियरली दिख भी रहा है कि मिडिल टर्म एक ही आएगी क्योंकि जो पावर है वो 2n है और 2n हमेशा इवन होता है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म की बात करें तो 2n प्लस 2 अपॉन 2 मींस टी, ये हो जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2n से तो लिखेंगे c के साथ कितना आएगा n,
और 1 की पावर n तो एज इट इज, और x की पावर n ये आ जाना चाहिए। यही होगी मिडिल टर्म, ये होगी मिडिल टर्म। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 2n का मतलब 2n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 n फैक्टोरियल x रेस टू पावर n। क्लियरली सॉल्व करने का ट्राई करूं, कोशिश करेंगे। 2n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में कहां आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे चलेगा इंटू नीचे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और x रेस्ट टू पावर n। इज इट क्लियर? ऊपर का मिडिल टर्म ये सब हटा देते हैं, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये क्लियर है या नहीं? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहां पे इवन टर्म्स को अलग निकालता हूं। इवन टर्म्स को मैं करता हूं, पहले तो मैं ओड टर्म्स लिखता हूं। ओड टर्म्स कितनी है? 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 3 आएगी, फिर 2n माइनस 5 आएगी, और ऐसे करते करते फिर 5 आएगी, लास्ट में 3 आएगी और फिर 1 आएगी। क्लियर है? एक काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको। ये क्लियर है? बची हुई टर्म कौन सी है? 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 और लास्ट में 6, 4 और 2, यही चलेगा। नीचे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और x रेस टू पावर n एज इट इज अलग से रहेगी। यहां तक क्लियर होगा? उसको हटा दो, एक बार में एक ही टर्म आ सकती है। ये क्लियर होगा? अब ये एज इट इज रख लो, इसको उल्टा घुमा दो, जैसे ये लिख रखा है उल्टा घुमा दो। पहले क्या लिख दो? 1, फिर 3, फिर 5 और लास्ट में जाके 2n माइनस 1। ये क्लियर है? यहां से पहली वाली टर्म में से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन आ गया। दूसरे वाली टर्म से 2 कॉमन लो क्योंकि सारे इवन है। तीसरी वाली टर्म से 2 कॉमन लो, यहां से 2 कॉमन लो, यहां से 2 कॉमन लो और यहां से 2 कॉमन लो। यहां क्या बचेगा? 2 कॉमन आया n, यहां कितना बचेगा? 2 कॉमन आएगा तो n माइनस 1, यहां कितना बचेगा? डैश डैश, यहां कितना बचेगा? 3, 2, 1। क्लियर है? नीचे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और x रेस टू पावर n अलग से चल रहा है, x रेस टू पावर n अलग से चल रहा है, r नी n। क्लियर? ये भी क्लियर होगा? एक एक स्टेप को समझना, बस समझ में बिल्कुल इजीली आएगी चीजें। अब समझना, वापस से मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1, ये तो एज इट इज आ गया। n2, 2 कितनी टाइम्स आया है? देखो 1, 2, 3, ये टोटल नंबर कितने हैं n, तो 2 भी n टाइम्स आया होगा, मतलब 2 की पावर n। और ये कितना लिखा हुआ है? n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1 तक, मतलब ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल और x रेस टू पावर n एज इट इज, और नीचे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर? इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इसको क्या लिख सकते हो? 1, 3, 5 इंटू 2n माइनस 1, ये एज इट इज 2 की पावर n, एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल कट गया, x रेस टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। आई होप सेम आंसर मैच कर रहा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी, बाकी क्वेश्चन इजी था। बार बार इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करें, आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ू फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट ऑलवेज लीव द रिमाइंडर वन व्हेन डिवाइडेड बाय 25। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, 6 रेस्ट टू पावर n, है ना, 6 रेस्ट टू पावर n माइनस 5n। जब इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं, मींस कुछ 25 जैसी टर्म हमारे सामने आनी चाहिए। अब जब 25, तो देखो 6 को लिख सकते हैं बाइनोमियल से ऐसा कुछ। अब इसका एक्सपांशन करते हैं, क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा। इसका एक्सपांशन होगा 1 प्लस एनसी 1 इंटू 5
या फिर इसको भी मैं पूरा ही लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ये होगा एनसी जीरो इंटू वन की पावर एन, एनसी वन इंटू वन से तो मतलब नहीं फाइव, एनसी टू इंटू फाइव की पावर टू प्लस एनसी थ्री फाइव की पावर थ्री प्लस लास्ट में आ रहा होगा एनसी एन फाइव की पावर एन माइनस ये फाइव एन एज इट इज रहेगा। एनसी वन का मतलब होता है वन बच्चों, एनसी जीरो का मतलब होता है वन, एनसी वन की वैल्यू आप चेक करोगे तो एन आ जाती है, आपको खुद को करके देखना है, ये फाइव एज इट इज। यहां से मैं पूरे में से फाइव स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 25 क्या आ गया कॉमन, ये कितना बच गया एनसी टू, ये बच गया एनसी थ्री इंटू फाइव अप टू एनसी एन इंटू फाइव की पावर एन माइनस टू और माइनस फाइव एन एज इट इज। क्लियर? नाउ अब इस वाली टर्म पे मैं आता हूं, इस वाली टर्म को लेते हैं हम, ये ऊपर सिक्स एज इट इज रहेगा, फाइव एन से ये फाइव एन कट गया तो ये बच गया वन प्लस 25 इंटू ये समथिंग कुछ एक इंटीजर आएगा तो इसको मैं के कुछ इंटीजर बोल देता हूं और ब्रैकेट में लिख दूंगा, इस पूरे की वैल्यू मैंने के मानी है। अब व्हेन इट इज क्लियरली इसको जब 25 से डिवाइड करोगे 25 से तो ऑब्वियस सी बात है 25 से जो 25 कट जाएगा वन क्या बचेगा रिमाइंडर, है ना, जैसे ये 20 के इक्वल टू वन होता तो 25 होता तो 26 वन रिमाइंडर, 2 होता तो 51 होता फिर 1 रिमाइंडर, मींस हमेशा क्या होगा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन को हम डील करते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, मींस 1 प्लस x की पावर 6 को मैं ओपन करता हूं, ये हो जाएगा 6c0 प्लस 6c1 इंटू 2x की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू 2x का क्यूब 6c3 प्लस इंटू 2x की पावर 4 प्लस 6c4 2x की पावर 5 प्लस 6c5 2x की पावर 5, यहां पे 4 आएगा 6c6 प्लस 2x की पावर 6, ये पूरा इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मींस 7c0 माइनस 7c1 इंटू एक्स प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब x की पावर इवन होगी प्लस आएगा, 7c3 एक्स क्यूब 7c4 एक्स की पावर 4, ये माइनस माइनस 7c5 एक्स की पावर 5 प्लस 7c6 एक्स की पावर 6 माइनस 7c7 एक्स की पावर 7। अब देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 5 चाहिए, एक्स की पावर 5 कब आएगा, जब ये किससे मल्टीप्लाई हो, 6c0 मल्टीप्लाई हो इसमें पावर 5 से, मतलब माइनस का 7c5 से, प्लस ये एक्स वाला किससे मल्टीप्लाई हो 4 से, मीन्स 2 इंटू 6c1 इज मल्टीप्लाई बाई 7c4। क्लियर? प्लस 3 वाला किससे मल्टीप्लाई हो, 3 वाला मल्टीप्लाई हो 2 से, 2 का है ये है 3 वाला मल्टी, अच्छा इसमें 2 वाली टर्म नहीं लिखी हमने शायद, 6c2 के साथ, एक सेकेंड, ये 2 आएगा 6c2 के साथ, यहां 2 आएगा और यहां 3 आएगा और यहां 4 आएगा। क्लियर? ये मिस्टेक थी। तो 3 वाली टर्म यानी कि 2 वाली टर्म क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 6c2 ये मल्टीप्लाई हो इसके 3 से, मींस माइनस 7c3 से, प्लस 4 वाली टर्म 2 वाली हो गई 3 वाली, मतलब 6c3 मतलब 8 6c3 इसके मल्टीप्लाई होगी 2 से, मींस 7c2 से, प्लस ये वाली 4 वाली टर्म यानी कि 16 6c4 मल्टीप्लाई होगी इसकी 1 से, मतलब माइनस 7c1 से, एंड द लास्ट वन 6c5 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 ये मल्टीप्लाई हो इसके कॉन्स्टेंट टर्म से, मीन 7c0 से, और एक और टर्म बस। क्लियर?
इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर कैसे निकाला, ये समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने कॉन्स्टेंट टर्म को इसकी 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसके फर्स्ट को इसके 4 से मल्टीप्लाई किया, पावर 5 आ गई, इसके 2 को इसके 3 से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 3 को इसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 4 को इसकी पावर 1 से, और इसकी पावर 5 को इसकी पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, और आगे 6 वाली पे तो हमारे कभी 5 मिल ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हमारा कोफिशियंट हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा बाइनोमियल के बेसिक एग्जांपल्स से जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर है? आगे और हम अगला चैप्टर देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहां तक आप करके रखें, थैंक यू।